हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव। एसपीएल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि। तो आज हम बताएंगे आपको कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और वीडियो को देखते रहिए लगातार। आज आप ऐसे हो जाएंगे कि वर्गमूल कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि वर्गमूल को निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। और वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या में हम उसी संख्या से गुणा कर दें तो उसी संख्या का वो वर्ग होता है। वो वर्ग हमें 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। जैसे हमने लिख रखा है, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81। अब हम ये देखते हैं कि 1 के वर्ग में 1 आता है हमारा और 9 के वर्ग में 1 आता है। तो हमने 1 और 9 के ये पेयर बना दिए, यानी 1 और 9 में दोनों में 1 1 आएगा। दूसरा 2 का वर्ग 4 होता है, फिर तीसरे इसमें आता है 8 का वर्ग 4, इसके इकाई अंक में 4 होता है, यानी 4 जिसमें आएगा, या तो इसका वर्गमूल 2 आएगा इकाई अंक में, या फिर 8 आएगा। आगे या 3 का वर्ग होता है 9, इधर 7 का वर्ग 49, तो दोनों का इकाई अंक समान हो गया, यानी 9 9 आता है। तो 3 और 7 हो गए हमारे, चलेंगे 7 में। इसके बाद आता है 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, यानी दोनों इकाई के अंक एक जैसे 6 आते हैं 4 और 6 में। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं वर्गमूल, 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम, संख्या है हमारे पास 144। 144 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें इकाई अंक देखेंगे हम, इसके पेयर बन जाते हैं हमारे ये, तो इकाई अंक निकालेंगे। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे, सबसे इकाई अंक पर सबसे पहले क्या है, 4 4 किसमें आता है, या तो 2 के वर्ग में आता है या 8 के वर्ग में आता है, या तो 2 के वर्ग में या 8 के वर्ग में। तो या तो इकाई अंक हमारा 2 आएगा या फिर आएगा 8। अब हम आगे चलते हैं, ये 1 1 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 1 1 1 1 = 1 यानी 1 1 1, तो ये हो गया हमारा 1, इस पर आएगा या फिर इस पर आएगा। अब हम ये देखेंगे कि या हमारा 12 आएगा इसका वर्गमूल, या फिर 18 आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से 1 तो ये है ही, इसमें 1 में 1 और प्लस कर दें तो क्या हो गया 2, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो गया 2, 2 हो गया 2, इस 1 से ज्यादा है तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कम वाला लेंगे, कम वाला लेंगे तो हमारा वर्गमूल आ गया 12, ये हो गया कैंसिल। इसी तरह से हम अगली संख्या लेते हैं 324। 324 का वर्गमूल निकालेंगे हम, ये जोड़े बनाएंगे इधर से, वही आ गया हमारा इस, या तो ये 4 इकाई का अंक आ रहा है तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इस 24 की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब हम देखेंगे 3 को, 3 हमारा आता है, एक तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग होता है हमारा 1 और 2 का वर्ग होता है 4, तो इसमें हम 4 नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए 1 का वर्ग 1 यानी इसका वर्गमूल में आएगा 1 और 1। अब हम ये निश्चित करेंगे कि ये संख्या हमारी किन 2 वर्गों के बीच में है। तो ये 3 अंक हमारा किस किस के बीच में आता है, 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4। अब हम 3 को देखेंगे, इस 4 के ज्यादा नजदीक है या फिर 1 के ज्यादा नजदीक है। तो हमें पता चला कि इसमें 2 जोड़े हम तब 3 आएगा, या इसमें से हम 1 घटा दें तब 3 आएगा। तो हमें पता चल रहा है कि इससे ये ज्यादा नजदीक है, तो ये कौन सी तरफ जा रहा है, बड़ी वाली संख्या के नजदीक जा रहा है, बड़ी वाली संख्या के नजदीक जा रहा है, तो इसलिए हमारा 324 का वर्गमूल हो गया 18।
इस तरह से 324 का वर्गमूल निकल गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं आगे संख्याओं पर, तो आते 625। 625 संख्या है हमारी, 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये जोड़े बना देंगे। पांच एक ऐसा अंक है हमारा सिर्फ पांच में आता है, इसके लिए हमें कोई इकाई में दूसरा अंक नहीं ढूंढना, केवल पांच के आगे ही आएगा ये। अब आता है हमारा छह। छह को हम ये देखेंगे कि छह हमारे किस वर्ग के नजदीक आता है। तो एक होता है हमारा 2 दूनी 4 और दूसरा होता है 3 तिया 9। 3 तिया 9 हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, ये हो गया डेफिनेट नंबर, यानी हमारा 625 का वर्गमूल हो गया 25। इसके बाद में संख्या लेते हैं हम 31 36, संख्या लेते हैं 31 और 36, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। ये जोड़े बना दिए हमने, जोड़े हमेशा हम दो ही दो के बनाएंगे और हमेशा सीधे ही हाथ से बनाएंगे, सीधे हाथ की तरफ से बनाएंगे, इधर से नहीं बनाएंगे। अब 36 हमें देखना है कि किस किस में आता है। 36 आता आएगा हमारा, एक तो आता है 4 के वर्ग में, तो हम 4 लिख लेंगे। एक आता है हमारा 6 के वर्ग, यानी या तो इकाई अंक इसका 4 होगा या फिर इसका इकाई अंक 6 होगा। अब हम देखते हैं इसका 31 किस में आएगा। 31 आएगा हमारा 5 25, 6 चंग 36, 6 चंग 36 नहीं कर सकते, ज्यादा हो जाएगा 31 से, इसलिए 5 25 करेंगे। तो इसका वर्गमूल आएगा ये 5, यहाँ पे भी 5, 31 के निकला हमारा 5। तो या तो संख्या हमारी ये होगी 54 या होगी हमारी 56। अब हम डेफिनेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए हमारी क्या संख्या होगी, इसके लिए क्या करेंगे, इस 31 को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इससे पहले का वर्ग लिखेंगे तो 5 25, इससे आगे का वर्ग करेंगे तो 6 6 36। अब हम 31 को देखेंगे कि ये इसके नजदीक ज्यादा है या इसके नजदीक ज्यादा है। तो 25 में 6 जोड़ेंगे हम तब 31 आएगा, और 31 में से 5 घटाएंगे हम तब 31 आएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये 31 संख्या हमारी बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, यानी बड़ी वाले पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा बड़े वाला ही वर्गमूल होगा, यानी 31 36, 3136 का वर्गमूल होगा हमारा 56। इसी तरह से और हम आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए पूरा वीडियो, पूरे वीडियो देखोगे आप तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि आप वर्गमूल में बिल्कुल कहीं हिटकेंगे ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगली संख्या लेते हैं ये 57 76, संख्या है हमारी 57 76, इसका वर्गमूल निकालना है, जोड़े इधर से ही बनेंगे। अब फिर आता है हमारा 6, जैसे इसमें 6 आया था ऐसे ही इसमें 6 आ गया। अब 6 इसमें आ रहा है तो हमारे अंक निकले थे 4 या 6, इसी तरह से हम 6 को देखेंगे तो किसमें आ रहा है, 4 और 6 में, 4 में आया और 6 में। अब देखेंगे 57 का वर्ग किस वर्गमूल, इसका वर्गमूल किसके नजदीक आएगा, तो एक होता है 77 49, एक होता है 68 64। तो 68 64 नहीं कर सकते हम, केवल करेंगे 77 49, कम वाला लेते हैं ज्यादा वाला नहीं लेते। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कम वाला लेते हैं, यानी 77 49, या तो ये 74 होगा इसका वर्गमूल या होगा 76। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं हम डेफिनेट करने के लिए कि हमारी संख्या 74 होगी या वर्गमूल की या फिर 76 होगी। तो इस संख्या को लिख लीजिए 57, इससे पहले का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना है 49, और इससे आगे का वर्ग कितना है 64। अब हम देखेंगे कि 49 से 57 तक पहुंचने में हमें +8 करने पड़ेंगे, और 57 से वापस होने में केवल हमें 7 माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारा ये जो नंबर है किसके नजदीक आ रहा है, इधर ये इधर से 8 चलेगा, ये इधर से 7 चलेगा, तो इसके नजदीक आ रहा है बड़ी वाली संख्या के, बड़ी वाली संख्या के नजदीक आ रहा है, तो हम बड़ी वाली संख्या ही इसका वर्गमूल होगी, ये हो गई हमारी 76। देखते रहिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वर्गमूल में होता क्या है। चलिए आगे संख्या लेते हैं, इस संख्या है हमारी 96 04, अगली संख्या है हमारी 96
04। तो इधर से हम जोड़े बना देंगे। अब 04 देखेंगे, चार हमारा किस में आता है, एक तो दो में आता है और एक आता है हमारा आठ में। अब 96 के पास में देखेंगे हम कौन सा वर्ग आता है, एक आता है 9 में 81, एक आता है 10 दहाई 100। 100 ज्यादा हो जाता है इसलिए ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए करेंगे 9 में 81, या तो ये 92 यानी 92 आएगा, या फिर आएगा 98। अब निश्चित करने के लिए इस संख्या को हम पहले की तरह रट लो, यही होगा सब में, 96 को लिख लेते हैं। अब इसके आगे का वर्ग क्या होता है, 100, और इसके पीछे का वर्ग कितना होता है, 81। अब हम इसको देखेंगे कि ये किसके नजदीक है, या 100 के नजदीक है कि 81 के नजदीक है। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है यानी बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। बड़ी वाली आ गई, बड़ी संख्या, तो बड़ी वाली संख्या को हम वर्गमूल कर देंगे। ये हो गया हमारा 98 का वर्ग, इसका वर्गमूल निकला हमारा 96 04 4 का 98। इसी तरह से और हम आगे संख्या बढ़ाते हैं, संख्या है हमारी 132 25, 132 25, जोड़े इधर से ही बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, हम ज्यादातर देखेंगे जब तक हमारे 5 अंक रहेंगे तब तक हम इधर जो बचेगा पूरे का जोड़ा एक ही बनाएंगे। अब ये निश्चित है 5 किस में आता है, हमारे 5 के में ही आता है, अकेला अकेला अंक होगा हमारा 5। अब हम 132 को देखेंगे किस वर्ग के नजदीक है ये हमारा, तो एक आता है हमारा 11 11 121, और एक आता है 12 12 144। 12 12 144 हमारा हो जाता है ज्यादा, और ज्यादा हम नहीं कर सकते इसलिए आएगा हमारा 11 11 121 यानी 11। तो ये डेफिनेट नंबर हो गया हमारा 115। 115 के बाद ये निश्चित हो गया हमारा कि 115 ही आएगा, इसका 13 225 का वर्गमूल। अब हम आगे चलते हैं और आगे संख्या लेते हैं हम 136 89, 136 89, वही काम करेंगे, ये जोड़े बना लिए हमने। अब 9 को देखेंगे हम किस किस में आता है, एक हमारा आता है 3 में और दूसरा आता है हमारा 7 में। 136 आया हमारा, 136 को देखेंगे हमारे किस वर्ग के नजदीक आ रहा है, तो ये आ रहा है 121 यानी 11 11 121, 12 12 144 ज्यादा हो गया, तो 11 11 121 यानी ये 11 या तो इस तरह आएगा या फिर 100 ये इस तरह आएगा। अब हम निश्चित करने के लिए इसको करेंगे 136 को लिख लेंगे, और इससे आगे का वर्ग लिख देंगे 144, इससे पीछे का वर्ग लिखेंगे 121। अब हम ये देखेंगे कि ये 136 नंबर हमारा इसके नजदीक ज्यादा है या इसके नजदीक ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ 15 प्लस करने पड़ेंगे तब 136 होगा, यहाँ से 8 माइनस करेंगे हम तब 136 होगा। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा 136 144 के नजदीक है यानी बड़ी संख्या के नजदीक है। वही बताया था मैंने, बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़े वाला आएगा। तो हमारा डेफिनेट नंबर हो गया स्क्वायर रूट 117। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का भी भला करें साथ में, उनको शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ में ही इसके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आगे पढ़ने वाली वीडियो आपको टाइम से टाइम पर मिल जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।